नमस्कार, मेरा नाम गौरव ठाकुर है। मैं लिगोंग का प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। आज मेरे पीछे DW105A मशीन है। DW105 से हम समझते हैं, ये 105 मतलब 105 टन की मेरी मशीन है। 70 टन मेरी मशीन का पेलोड कैपेसिटी है और 35 टन का मेरी टोटल मशीन है। इसमें जो मेरा इंजन लगा है वो यूचाई का इंजन लगा है, 382 किलो वॉट का मेरा इंजन लगा है। इस मशीन में जो मेरी स्टक वॉल्यूम है, स्टक वॉल्यूम होता है जो मेरी मशीन में, अगर मेरा जो बॉडी है वो फिल है, वो स्टक वॉल्यूम है, वो है 36 क्यूबिक मीटर का। और जब अगर हीप नाता है, कोई मिट्टी का काम है और इसमें हीप बनती है, तो ये 43 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम आता है। इसमें जो मेरी मशीन है ये हीटेड बॉडी के साथ आती है। मार्केट में आपको बहुत कम मशीन मिलेगी जो हीटेड बॉडी के साथ आएगी। यहाँ देखिए, जो मेरा एग्जॉस्ट जा रहा है मशीन का, एग्जॉस्ट जा रहा है वो हीट करेगा मेरी बॉडी को। तो इसका बेनिफिट क्या है, जब मैं मशीन को, अगर जो मेरी एग्जॉस्ट से हीट हो रही है बॉडी, क्योंकि ये मशीन चलती है कोल ऑबी होता है, मतलब जो जब कोल माइनिंग होती है, कोल के ऊपर जो मिट्टी वाला पार्ट होता है उसे कोल ऑबी बोलते हैं। वो कोल ऑबी वेट होता है तो गीली होती है, कभी कभी इसमें चिपक जाती है ट्रक्स में। तो जब ये हीट होगी बॉडी तो वो मिट्टी चिपकेगी नहीं इसमें, तो ईजिली मेरा डंप ईजिली हो जाएगा मशीन में। जो ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे हैं हम, इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे हैं हम मशीन में, एलिसन का ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे हैं हम, 7 स्पीड ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे हैं इसमें। जो क्योंकि कोल माइंस में बहुत ज़्यादा धुआं होगा, बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, उसके लिए हमने ऑयल बाथ फिल्टर लगाए हैं। इसमें हाइड्रोलिक ऑयल होता है, तो उससे जो पास होता है सारे गंदगी मेरे हाइड्रोलिक ऑयल में हो जाता है। और सबसे एक बेस्ट पार्ट, जो बाकी डंप ट्रक से इसको सर्विस पॉइंट व्यू से अलग बनाता है, बाकी डंप ट्रक्स में ये होता है कि जो कैबिन है, कैबिन को आगे करना पड़ता है अपना इंजन देखने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं एक हुड बनी है, जो नॉर्मल किसी भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट या एक्सकेवेटर वगैरह में होता है, ये हुड इजीली खुल जाती है और आप इंजन ऊपर से ही कोई भी सर्विस कुछ भी करना हो तो ईजिली सर्विस कर सकते हैं मशीन में। जो इसका टायर है, जो माइनिंग ट्रक है तो माइनिंग ट्रक के लिए बड़े टायर चाहिए, तो इसमें हम 16R25 के टोटल टायर यूज़ कर रहे हैं हम। इसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन के साथ मेरी मशीन आ रही है, बैक कैमरा आ रहा है, ALS आ रहा है, सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ मेरी मशीन आ रही है, जो भी माइनिंग नॉर्म्स है उसके साथ। राइट हैंड ड्राइव मेरी मशीन है। यहाँ से कैबिन की बात कीजिएगा, जो भी मेरी कैबिन है, सामने में सारी LED लाइट्स लगी हैं मेरी, जो कैमराज, प्रॉक्सिमिटी सेंसर सब लगा है इस मशीन में मेरी। जो रेडिएटर है, रेडिएटर पार्ट भी मेरा आगे है, तो ईजिली कोई भी ईजिली सर्विस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पूरा सेफ्टी के साथ पूरा ध्यान रखा है आगे हमने। और जो कैबिन आप देख सकते हो, तो सिंगल बंदा आराम से बैठ सकता है इसमें, और इसके पीछे भी एक्स्ट्रा हमने स्पेस दिया है। इसमें फुली AC कैबिन है, तो क्योंकि नॉर्मल एप्लीकेशंस होती है 21-22 घंटे नॉर्मल चलाने पड़ती है मशीन, तो उसके लिए पूरा AC कैबिन है मेरा। और कोई बोल्टर्स ऊपर से कैबिन के ऊपर गिरे नहीं, तो उसके ऊपर हमने पूरा प्रोटेक्शन भी दिया ऊपर से। इस बॉडी की जो कैपेसिटी है वो है 33 क्यूबिक मीटर की, जो इसकी हीप कैपेसिटी है वो है अपनी 36 क्यूबिक मीटर की। रेयर में आप देखते हैं यहाँ पे सेफ्टी के लिए हमें कैमरास दिए हैं, LED लाइट्स दिए हैं मशीन में। जो आप टायर्स देखोगे, वाइट टायर्स मिल रहे हैं, वाइट बॉडी ट्रक, इसलिए इसे वाइट बॉडी डंप ट्रक बोलते हैं। ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक ग्रीसिंग सिस्टम के साथ ये पूरी मशीन आती है। पूरी मशीन में हम एक पॉइंट से पूरी मशीन का पूरा ग्रीसिंग कर सकते हैं। इस मशीन में जो हीटेड बॉडी का एग्जॉस्ट है वो यहाँ से रिलीज होगा, तो सारा जो भी है मेरा यहाँ से होगा पूरा। आप देख सकते हैं पूरी कितनी वाइट बॉडी है मेरी मशीन की, मेरी हाइट देख सकते हैं पूरा, मतलब मैं 5'5" का हूँ, तो ये देख ले कितना, मतलब यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा है। और अब प्राइस की बात होती है मेन, जो मेरा इसका बेसिक प्राइस है 2.2 CR का बेसिक प्राइस है इसमें, 2.2 प्लस GST आप बोल सकते हो मशीन का प्राइस। तो अगर इसका आपको प्राइस की और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो लिगोंग के पास वाले किसी भी डीलर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।